अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, हमारा अभी जो ऑमलेट है जो हमारे पिज़्ज़े की शक्ल में बनाया था, कोशिश की हमने बड़े ज़बरदस्त, और देखें कितना प्यारा कलर आया। हमने काटा भी है, देखें पीस इसकी थिकनेस चेक करें आप, ज़बरदस्त बनकर तैयार है। जायका कमाल है, ज़बरदस्त है। इसी तरह आपने सीखनी है चीज़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फूड मलक स्टाइल को, और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें क्या क्या बनाया गया, किस में क्या है, क्या क्या गया, क्या टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। इसमें हमारे टिक्स एंड ट्रिक्स बताए होते हैं, उसको ज़रूर ध्यान से सुना करें और देखा करें। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं फूड मलक स्टाइल, और आज हम बनाएंगे ऑमलेट पिज़्ज़े की शक्ल में। और ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या जाएगा, ये देखें। आपके सामने चार अंडे लिए हैं हमने, चार अंडे हैं, एक प्याज है छोटे साइज़ वाला, मीडियम साइज़, हरी मिर्च ली है हमने, ग्रीन चिल्ली, टमाटर लिया है छोटा मीडियम साइज़ का, एक चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, एक खाने का चम्मच, थोड़ा सा क्वार्टर चम्मच हमारे पास है चाट मसाला, और है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली है एक चम्मच, और नमक है। नमक ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इस बोल में इसको मिक्स करेंगे और दिखाते हैं फिर आपको। तो नाज़रीन, अभी इसमें अंडे शामिल में करेंगे हम। चार आधे अंडे लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे ऐसे। बड़ी आसान रेसिपी है जी, ये नाश्ते में बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसे मिक्स करेंगे। आप इसको आराम से इस तरह मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अनियन, प्याज डाला इसमें, हरी मिर्च, टमाटर है हमारे पास, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला पसंद नहीं करते तो आप इसको नहीं भी डालें, मुश्किल नहीं है। और ज़ीरा, और इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे मिक्सर की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे और दिखाते हैं फिर आपको। तो चलें, अभी आपने इसमें ऑयल डाल लिया है, ज़्यादा नहीं डालना, देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें, और उसकी फ्लेम ऑन करते हैं फिर। डालने से पहले अच्छी तरह इसको फिर दोबारा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको ऐसे डाल दें। और डालने के बाद आपने जो आंच है इसकी, जो इसके फ्लेम है, वो बिल्कुल कम कर देनी है, स्लो कर देनी है। इसको पकाते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। इसको डालने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन देंगे, इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे, स्टीम देंगे इसको
स्टीम में ये पकेगा, क्योंकि जो नीचे वाली साइड से तो फ्लेम से पक जाएगा, ऊपर वाली साइड से मसला बनता है, इसलिए इसको दम जरूर देना है अपने एक ढक्कन की मदद से। इसको स्टीम दें, स्टीम दे के फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो देखें नाजरीन, अभी इसके हमने साइड चेंज कर दी है। अभी जो ऊपर वाली साइड थी वो थोड़ा कच्चा कच्चा था, वो नीचे कर दिया है। अभी ये पक रहा है, देखें कितना प्यारा फूल के इस कलर आ गया, ज़बरदस्त हो गया है। इसको पकाते हैं अच्छे से, आपने बिल्कुल हल्की आँच पर पकाना है, बिल्कुल फ्लेम स्लो करना है और ढक्कन दे के स्टीम में पकाना है। मैं भी इसी तरह पका रहा हूँ, ठीक है। आपने जब पका लेंगे वो फिर जायका चेक करेंगे, इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। और थोड़ा सब्र रखना है, जल्दी नहीं करनी, नीचे आग तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगा, ठीक है। इसको डिश आउट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखें नाजरीन, हमारा जो ऑमलेट था पिज्ज़े की शक्ल में बनाया हमने, देखें इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। आप देख लें, इसको करीब से दिखाते हैं आपको। देखें टमाटर जो हमारे वेजिटेबल थी सब नज़र आ रही हैं इसमें। आपने भी इसी तरह बनाना, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा जले ना आपसे, इसको बड़े ध्यान से बनाना है। और देखिए हमारा बहुत ही प्यारा बन गया है। इसको अभी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। फूड मिल्क स्टाइल को वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दुआओं में याद रखिएगा, इसी की जगह मुझे याद चाहिए। मैं था मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे थे फूड मिल्क स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम।